life has taken me and today I'm here. Otherwise, एक सिंपल गर्ल यू कैन से 25 ईयर ओल्ड गर्ल 25 साल की मैं थी और मेरे पास सिर्फ एक बी कॉम पास की डिग्री थी. मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी. मेरे पास में कोई जमा पूंजी नहीं थी. मेरे फादर एक सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतनी तकलीफ़ों के साथ उन्होंने हमें बड़ा किया है. एंड ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट अटैक, इतना सब कुछ उन्होंने फेस किया. बट ही टॉट, माई पेरेंट्स टॉट मी टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट. सबसे पहले एक बड़ा सच्चा आदमी बनो, ये मुझे उन्होंने सिखाया. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स. इट्स रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज बिल्कुल कुछ नहीं. अगर किसी के पास एडुकेशन नहीं हो, किसी के पास में पैसा नहीं हो, तो कैसे कोई उस मुकाम तक पहुँच सकता है. सिर्फ वहाँ पर एक ही चीज आती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग. और वेस्टीज हैज प्रूव्ड दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री जो आज तक इट हैज नॉट गॉट इट्स ड्यू. बट वेस्टीज के बाद में इट हैज एक्चुअली गॉट इट्स ड्यू. एंड हम सब इतने प्राउड वेस्टीजियंस हैं. हीरोक को मुझसे शायद बहुत पहले बहुत उम्मीद थी. उन्होंने बोला था शायद कि एक साल में ही आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे, बट 7 साल लगे. बट मेरा ये मानना था कि जब कोई चीज़ रीच करो तो उसे मेंटेन करो, बस करने के लिए मत करो. तो हो सकता है करने के लिए हम बहुत पहले कर चुके होते, बट एक ऐसा ढांचा और ऐसा फाउंडेशन तैयार करो कि आप आने वाले सालों में आपको एक मिसाल के तौर पे बना तरह से सोचा जाए. तो वो और वो सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे तत्पर करता गया कि मैं कभी पैसे डाल के या बिल्कुल कुछ करके नहीं करना है, मुझे बिल्कुल सही तरीके से करना है. और वो पॉसिबल हुआ. कोरोना ने किसको क्या दिया है मुझे नहीं पता. मुझे तो एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, एक बहुत ब्यूटीफुल टीम, एक आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन और ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का टाइटल जो दिसंबर 2020 में मैंने रीच किया और जनवरी में उसको मेंटेन भी किया फिर दोबारा. सो इट्स समथिंग ऑफ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. आई हैव क्रॉस द 10 लाख मार्क ऑफ चेक को क्रॉस किया. एंड ये सपना बहुत था. वेस्टीज ने और क्या दिया मुझे नहीं पता. बहुत कुछ दिया है बहुत लोगों को. मुझे तो सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाना सिखा दिया है. जो हम बहुत छोटे सपने देखते थे, अब हम बहुत बड़े 25 लाख, 50 लाख, पहले लगता था पॉसिबल ही नहीं है, बट अब लगता है कि बिल्कुल हाथ बढ़ाओ और 25 लाख, 50 लाख के लेवल पर भी पहुँच जाएंगे. सो इट इज़ लाइक दैट. आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर हु इज़ बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी. आई वॉन्ट टू थैंक माई डॉटर बिकॉज उसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं मुझे इस जगह पे देखने के लिए. आई कुड नॉट बी अ होम मेकर. मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकी. मैं उसको हो सकता है हर मोमेंट पढ़ाई नहीं करा सकी. बट टुडे शी सेज दैट मम्मी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई वॉन्ट टू बी वेयर यू आर. सो दैट इज द बिगेस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा लाइक टेक अवे ये है. एंड वेस्टीज मैनेजमेंट का तो मैं क्या बोलूँ. दीपक सर यहाँ पे, आई थिंक एवरी गर्ल इन दिस रूम फॉल्स इन लव विथ मिस्टर सूद एवरी टाइम. सो मिस्टर सूद, थैंक यू सो मच. दीपक सर, थैंक यू. मिस्टर बाली, मिस्टर बाली ने मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखाया द डे ही केम ऑन 17th of January 2014, ही मेट मी इन हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल, हिंदुस्तान इंटरनेशनल. और मैंने बोला कि सर इतनी उम्मीदें हैं, इतना कुछ है, मैंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी है नेटवर्क पे, मुझे और कुछ नहीं आता नेटवर्क के अलावा. आई जस्ट नो हाउ टू डू नेटवर्किंग. आई हैव नो अदर क्वालिटी इन मी. सो ही सेड दैट आई नो दैट. आप बोलो आपको क्या चाहिए, व्हाट सपोर्ट यू वांट. एंड वॉट एवर सपोर्ट आई आस्क्ड, ही डिड नॉट इवन ब्लिंक वन आई. एक बार उन्होंने पलक भी नहीं झपकी. और वो मुझे जानते नहीं थे पर्सनली. उन्होंने शायद हीरोक ने कुछ बोला होगा मेरे बारे में उनको, मुझे नहीं पता क्या बोला. बट ही जस्ट सेड एवरीथिंग, येस टू एवरीथिंग. एंड दैट्स अ ब्यूटी अबाउट वेस्टीज मैनेजमेंट, दैट कुछ भी मांगो येस. अरे कभी तो ना बोल दिया करो सर, कभी तो कुछ चीज़ के लिए, बट हर चीज़ के लिए येस 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 येस. और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरी टाइम
दैट व्हेन आई मेट मिस्टर बाली ही टोल्ड मी वन थिंग, जब हम दो बैठेंगे तो या आप मेरी बात मानोगे या मैं आपकी बात मानूंगी, हम दोनों विन विन में जाएंगे, दोनों खुश होकर रूम से निकलेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरी बात माननी पड़े या मुझे आपकी बात माननी पड़े. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन जो वेस्टीज क्रिएट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड वी ऑल नो दैट. थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज व्हाई आई एम बिकॉज ऑफ दैट वन लेडी हु इंस्पायर्स मी एवरी डे एवरी मोमेंट. जब भी मैं डाउन होती हूँ सिर्फ एक बार मरियम से बात करने की देर है एंड आई बिकम पॉजिटिव. सो माई एंटायर टीम, मरियम, माई लाइक यू नो विश्वरूप, औषिदा, शुभंकर, चंद्रानिधि, विभा, ऑल ऑफ देम एंड सो मेनी पीपल हु आर सिटिंग हियर, ईच वन ऑफ यू आई रियली थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. इफ यू आर नॉट देयर आई वुड नॉट हैव बीन हियर.